ओके, कैमरा स्टिल, या हेलो एवरीवन, हाय, आई एम आयुषी विश्वा एंड आई एम अगेन विद अ न्यू सवाल संडे. सो यस, थोड़ा एंगल का प्रॉब्लम है बिकॉज मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, बट यस, बिफोर द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना फिक्स दिस अप. फर्स्टली विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा. सो आई हैव बीन वेयरिंग दिस रेड कुर्ती क्योंकि आज दशहरा है. ओके, सो सुबह से आई होप तुम लोगों ने जलेबी फाफड़ा खा लिया हो बिकॉज मैंने भी खा लिया है. एंड यस, वी आर अप विद द न्यू क्वेश्चन. सो अगर हम डिले ना करें देन लेट्स गो अहेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय डॉक्टर नशवन खान. ओके, हाय हाय डॉक्टर नशवन खान. मैम, व्हाट इज एगोरोफोबिया? ओके, व्हाट इज एगोरोफोबिया? इट्स काइंड ऑफ अ फोबिया. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट क्लियर दैट फोबिया इज काइंड ऑफ अ एंजाइटी, अ काइंड ऑफ अ फियर यू हैव फ्रॉम अ सिंगल थिंग और अ सिचुएशन और अ स्टिमुलस मे बी. तो एगोरोफोबिया को बोला जाता है कि ओपन प्लेसेस का डर, बट उस एगोरोफोबिया इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट आई गेस. कि इंसान को उस बात का डर लगता है कि मैं सिचुएशन में हूँ, हाउ एम आई गोइंग टू रन आउट ऑफ द सिचुएशन. उस बात की एंजाइटी होती है कि अगर कुछ खराब हो गया तो मैं सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूंगा, कैसे सिचुएशन से एस्केप करूंगा. सो बेसिकली दिस इज एगोरोफोबिया. द सेकेंड क्वेश्चन इज बाय दोंदी ईशा. हाय ईशा, इफ यू हैड अ मैजिक वंड, व्हाट पॉजिटिव चेंज वुड यू ब्रिंग इन योर लाइफ? ओके, यू आर गिविंग मी अ मैजिक वंड, थैंक यू सो मच फॉर दैट. व्हाट पॉजिटिव चेंज वुड आई ब्रिंग इन माई लाइफ? राइट नाउ नो, लाइक आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट यस, एट दिस करेंट सिचुएशन इफ यू वुड गिव मी अ मैजिक वंड आई वुड रिमूव कोरोना आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. आई सीरियसली से आई थिंक दैट ये मैजिक वंड से मैं ये कोरोना को निकाल दूंगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट वॉन्ट टू माई नॉर्मल लाइफ टू गो बैक, कम बैक. आई वॉन्ट टू गो बैक टू द हॉस्टल. आई वॉन्ट एवरी वन टू गेट स्ट्रेस फ्री आउट फ्रॉम इलनेस एंजाइटीज. एंड येस, आई वुड इराडिकेट कोरोना आउट. यस, द थर्ड क्वेश्चन इज बाय मीत जोशी _ 1801. हाय मीत, मैम कैन यू टेल मी द वेज टू मैनेज एंगर? ओके श्योर. द थिंग इज आई हैव बीन मेकिंग अ वीडियो विद मिस्टर ड्रिपल शाह ऑन दिस टॉपिक, सो यू कूड गो एंड रेफर ऑन माई फीड. बट देन डू आई कूड टेल यू, येस, ट्रिपल टू ऑफ द वेज मे बी. कीप ड्रिंकिंग वॉटर वेन यू आर एंग्री ना, यू नो, वेन यू ड्रिंक वॉटर वो जो आप बोलने वाले होते हो ना, वो आप पानी के साथ यू गल्प दैट इनसाइड. सो यू स्टॉप मेकिंग द सिचुएशन वर्स. सेकेंड इज यू शुड बेसिकली, यू नो, डीप ब्रीथ करनी चाहिए. काइंड ऑफ आई हैव बीन शोइंग दिस अर्लियर, समथिंग लाइक डू इट फॉर मे बी 5-10 times एंड इट विल रियली हेल्प. इट रियली हेल्प मी. आई ट्राइड इट इन माई प्रैक्टिकल लाइफ मे बी. यस, मतलब ऑफकोर्स, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय पार्थवी मोदी. What was your motivation to be in this field? Hi, Pathvi. So being in this field, as such कोई motivation नहीं था. मतलब okay, so in my 12th standard psychology was a subject I was pursuing by choice, yes, because कुछ हिंदी के साथ कोई option था ना, I took psychology. So psychology was a subject and I gained interest in psychology. And the second thing was in my family, my grandfather was always suffering from mental illness. Maybe it was dementia. So I've been seeing him continuously from the start of his condition till the end of the condition. So yeah, you know, I've been seeing him dependent on people. मैंने देखा है उनकी हालत. Though he wants to speak out something, he cannot speak out something. So physical illness इंसान को ना बाहर से खोखला करता है, बाहर से वीक करता है. बट मेंटल इलनेस इंसान को, यू नो, जीती जाती क्या बोलते हैं, जीती जाती जागती लाश काइंड ऑफ. मतलब इंसान इज नॉट, पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस द इनर टर्बुलेंस, व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग इनसाइड. सो यस, आई वुड, द मोटिवेशन फॉर मी इज गोना बी दैट ओनली, दैट मैं इन लोगों की हेल्प कर सकूँ. सो यस, आई कीप ऑन वर्किंग सो वन डे आई कुड रीच टू ऑल ऑफ द पीपल एंड मे बी आई कुड हेल्प दैम. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट फीडबैक मे बी, या इट्स फ्रॉम ब्यूटी _ क्वीन _ बबली. आई डोंट नो ए नेम बट हाई.
यू डूइंग अ वेरी एक्सेलेंट जॉब. आई लव ऑल योर वीडियोज एंड सेशंस. थैंक यू सो मच. तुम लोग को नहीं पता यार ये कितना मीन करता है मुझे. मेरे को अभी भी कभी कभी कॉल्स आते हैं ना कि यार मैंने ना तेरा पूरा सेशन देखा, आपका पूरा सेशन देखा. यू डोंट नो इट मीन्स अ लॉट 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 टू मी. थैंक यू सो मच. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय ए आर के निश्चय. कलयुग वेर गॉड एंड डेविल को एग्जिस्ट विद इन अस अराउंड अस. वी कैन चूज वन बट नॉट ओनली वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टाइम भी तुमने एक क्वेश्चन पूछा था. तुम ऐसे क्वेश्चन निकालते कहाँ से हो यार, बड़े अच्छे क्वेश्चन निकालते हो. बट ये क्वेश्चन नहीं, एक स्टेटमेंट है. सो आई वुड से दैट येस आई अग्री टू इट कि कलयुग चल रहा है. सो अच्छा है बुराई दोनों होती है, हम में दोनों है, हमारे आसपास दोनों है. हम एक चूज करने की कोशिश करते हैं बट हम दोनों चूज कर बैठते हैं. तो आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल अराउंड इट अस, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन वी कन्फ्रंट. सो आई बेसिकली यू नो आई बिलीव दैट अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा. सो अगर आप अच्छा भी करना चाहो बट अगर सामने वाला बुरा कर रहा है आपके साथ, तो मे बी यू वुड बी स्मार्ट इनफ टू नॉट बी सो गुड विद हिम. आई बिलीव दैट यू नो टिट फॉर टैट मे बी. या ओके, सो आई होप आई सेटिस्फाइड द थिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विशाल K22. हाई विशाल, यू डूइंग वेरी ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच. वन क्वेश्चन टू आस्क, वॉट आर योर मेन लाइफ गोल्स? वॉट आर माई मेन लाइफ गोल्स? ओके, आज के पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं है मेरे मेन लाइफ गोल्स क्या है. बट कल मैं ना एक वेबिनार अटेंड कर रही थी एंड लकीली मैंने वो लिखे थे मेरे मेन लाइफ गोल्स. सो मैंने इतना सोचा है, वॉज लाइक नो, जब हम सोचते नहीं है ना, वैन यू राइट नो यू लिटरली हैव टू थिंक सो हार्ड अबाउट, क्लैरिटी आती है थाट्स में. तो मैंने सोचा मेरे लाइफ के मेन गोल्स क्या है. तो आई थिंक मैं लाइफ का मेन गोल यही होगा कि मैं तब तक वर्क करूँ टिल आई डोंट सेटिस्फाई माई सेल्फ. बिकॉज अभी भी मैं सोचती हूँ ना, आई एम अ वेरी अ पर्सन हु के नॉट गेट सेटिस्फाइड वेरी सून. यू नो मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए. सो आई वॉन्ट टू वर्क सो हार्ड दैट आई कैन सेटिस्फाई माई सेल्फ वन डे. दैट आई विश यार सब कुछ मिल गया है. यू बिकेम अ गुड साइकोलॉजिस्ट, यू बिकेम अ मोटिवेटर, यू बिकेम अ स्पीकर, you became a lecturer, whatever I want to be, I want to satisfy myself and that will be the main life goal. And maybe, and yes, also I think that the second main life goal will be that the people around me, my teachers, my parents, my friends, my mentors, I want all of them to be very proud of me. Yeah. The next question is by PRVX under 29 under SHXH. Hi, what are your planning to do after masters? Hi. So my planning to do after masters. Yeah, so I think I want to continue studying and definitely I'll be practicing I'll be a clinical psychologist because मेरे को master में clinical psychology लेना है. तो मैं clinical psychology ही practice करूँगी आगे. So I'll be practicing as well as I will be studying for my RCI license, that's the license to counsel in India. So yes, the next question and the last question of the day is by Jaina04. Hi Jaina, I want to pursue psychology as my career, that's really great. I want to know about what's it about and how you feel about it. Okay, so the first thing is how I feel about it, it doesn't matter because the thing is it's your, you're going to pursue it as a career. So I want you to tell me how you feel about psychology. Because psychology is a very interesting subject, no doubt. It's about human behavior. कि हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, हम कोई भी चीज़ करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न होता है करने का. And that is where psychology comes into play. So yeah, it's about human behavior. And if you're thinking about abnormal psychology, then it's about clinical terms, it's about mental illness. So it's altogether very interesting. अब मनी फैक्टर एज अ करियर देखोगे तो साइकोलॉजी में आई हैव बीन टॉकिंग टू मनी साइकियाट्रिस्ट, मनी साइकोलॉजिस्ट, ये ऑल हैव बीन सेइंग दैट देयर इज नो मनी, दैट नो मच मनी इन साइकोलॉजी. बट ये देयर इज सेटिस्फैक्शन, यू गोना एंजॉय डूइंग योर जॉब. दैट्स इट व्हाट आई कैन से अबाउट साइकोलॉजी. बट इफ यू वॉन्ट टू पर्स्यू, यू शुड डेफिनेटली रिसर्च मोर अबाउट इट. आई विल बी गोइंग. आज का सवाल संडे मुझे बहुत पसंद आया. आई लव टॉकिंग टू यू इन दिस वे. अगर आपको भी पसंद आ रहा है देन प्लीज़ कमेंट बिलो, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. कमेंट बिलो द क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट संडे एंड आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग देम. टिल देन हैप्पी दशहरा वंस अगेन. हैव अ हैप्पी, सेफ, हेल्दी दशहरा. स्टे विद योर फैमिली एंड एन्जॉय विद देम. बाय बाय.